हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम राम। मीनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। गर्मियाँ शुरू हो चुकी है तो मैंने सोचा कि फ्रूट आइसक्रीम बनाया जाए, लेकिन एक उसमें एक ट्विस्ट डाला गया। उसे देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और आप ये चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ बहुत सारे फ्रूट लिए हैं। हमने एक बॉल लिया है, ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, ये मस्कमेलन है, ये हमने अनार लिया है, थोड़े लेना है क्योंकि ये आपके दांतों में फंस सकते हैं। ये हमने अंगूर लिए हैं, बड़े वाले थे इसलिए मैंने इसे थोड़े काट दिए हैं। आप एक से दो केले को काट सकते हो। ये हमने एप्पल लिए हैं। ये ब्लैक ग्रेप्स है, इसे भी हमने आधे काट दिए हैं। ये खजूर है, इसे हमने आधा आधा काट कर बीच निकाल दिए हैं। ये हमने बटरस्कॉच आइसक्रीम लिया है, हम कोई दूसरे भी बेस फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं चॉकलेट के अलावा। अब आती है हमारे मेन ट्विस्ट की बारी। तो ये हमने फ्रेश क्रीम लिया है, जिसे हमने एक कप जितना फ्रेश क्रीम लिया है। ये हमारा मेन ट्विस्ट था, जिससे हमारा फ्रूट कस्टर्ड और अच्छी तरह से लाजवाब बन जाएगा। हमने क्रीम इसमें डाल दिया है और हम स्पैटुला या और किसी चमचे से इसे मिक्स करेंगे। अब हमने अच्छी तरह से इसे हिला दिया है। अभी आई गार्निशिंग की बारी। ये हमने अनार और थोड़े ड्राई फ्रूट लिए हैं और इसके ऊपर थोड़े थोड़े डालेंगे। आपको इसे हर जगह फैलाना है। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा बना है, रियली क्रीमी और किड्स फ्रेंडली भी है, कोई भी बच्चा बना सकता है। धन्यवाद। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।